YouTube पे जब भी आप वीडियोस देखते होगे तो बहुत सारे लोगों के वीडियोस के जब आप एंड में पहुंचते होगे वहां पे आपको उनके ही दो वीडियोस और उनके चैनल का लोगो वाला आइकन दिखता होगा। तो ये जो कुछ भी आपको दिखता है इसको हम एंड स्क्रीन बोलते हैं और इसको हमें यूज करना चाहिए। किस लिए यूज करना चाहिए? ताकि हमारे चैनल पे अधिक से अधिक व्यूज आ सके। वो कैसे होता है? वो इस तरीके से होता है, जैसे आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है। अब मान लो कि ये वीडियो मैंने एंड स्क्रीन पे बनाई हुई है और जैसे ही ये वीडियो ख़त्म हो गई तो आपको इसी टॉपिक से रिलेटेड या फिर YouTube टिप्स से रिलेटेड और दो वीडियोस दिखेंगी मेरे एंड स्क्रीन पे। और अगर आपको वो पसंद आती है तो आप उन पे क्लिक करके फिर से आप उस वीडियो को देखोगे और इससे होगा क्या कि आप मेरे ही चैनल पे बने रहोगे, जिससे मुझे अच्छा खासा वॉच टाइम मिलेगा। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है हर किसी के चैनल के लिए, ठीक है। तो जो भी एंड स्क्रीन आप देखते होंगे मेरे चैनल पे या फिर किसी भी चैनल पे, वो आपको दो तरीके से दिखाई देते होंगे। पहला तरीका ये है कि वीडियो खत्म हो रही है, साइड में कहीं पे भी एंड स्क्रीन दिखा और उस पर आपने क्लिक करके उन वीडियोज को देख लिया। दूसरा तरीका ये होता है कि इस तरह के टेम्पलेट्स लगे होते हैं और इन टेम्पलेट्स पे दोनों वीडियोज लगी हुई होती हैं और चैनल का लोगो भी लगा रहता है, ठीक है। तो ये जो टेम्पलेट्स अभी आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, इस तरह के टेम्पलेट्स आप भी यूज कर सकते हो बिल्कुल ही फ्री में। कैसे करना होगा वो सब कुछ मैं अभी आपको बताऊंगा इसी वीडियो में, इसलिए वीडियो में कंटिन्यू आप बने रहिएगा। बस आप ये ध्यान रखना कि नेक्स्ट टाइम से जब भी आप वीडियोज अपलोड करोगे अपनी हर वीडियो पे एंड स्क्रीन लगा सकते हो। और अभी तक आपने जितनी भी वीडियोज पहले पोस्ट करी हैं अपने चैनल पे, मान लीजिए कि आपने साल भर पहले कोई वीडियो पोस्ट करी है अपने चैनल पे या फिर अभी करी है या फिर कोई भी वीडियो, हर वीडियो पे आप एंड स्क्रीन लगा सकते हो, उसको जब मन करे तब चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है छोटी सी, वो ये है कि एंड स्क्रीन आप कभी भी गूगल क्रोम ब्राउजर से ही लगा सकते हो। अगर आप लैपटॉप कंप्यूटर से यूज करते हो ये सब कुछ तब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, लेकिन अगर आप मोबाइल यूजर हो तो आपको क्या करना होगा, क्रोम ब्राउजर में यूट्यूब ओपन करना होगा, उसके डेस्कटॉप मोड में जाना होगा और वहाँ पे जाकर के ये सारे स्टेप्स आप वन बाय वन करके कर सकते हो। तो कैसे करना होता है वो सब कुछ हम वन बाय वन करके सीखेंगे। और यहाँ पे एक और जरूरी बात आपको बताना चाहूँगा एंड स्क्रीन से रिलेटेड, वो ये कि एंड स्क्रीन हम जब भी अपनी वीडियो में अप्लाई करते हैं, अपनी वीडियो में लगाते हैं, तो वो 20 सेकंड पहले लगता है, मतलब वीडियो ख़त्म होने के 20 सेकंड पहले। यानी कि अगर मान लीजिए आपकी जो वीडियो है वो 1 मिनट 20 सेकंड की है, ठीक है, तो 1 मिनट जब ख़त्म होगा वीडियो और लास्ट के जब 20 सेकंड बचे होंगे वहीं पे आपको वो एंड स्क्रीन दिखाई देती है। अगर आप चाहो तो उसकी टाइमिंग और कम भी कर सकते हो, 10 सेकंड पे भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट बाई डिफॉल्ट वो वीडियो के ख़त्म होने के 20 सेकंड पहले वो शो होने लगता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ है जो कि एंड स्क्रीन के थ्रू किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात आपको बता दूँ कि जो भी अभी मैं आपको बताऊँगा, जो भी एंड स्क्रीन के टेम्पलेट्स होंगे जो आप डाउनलोड करोगे, तो उनको डाउनलोड करने का तरीका आपको बताऊँगा। और जो भी एंड स्क्रीन वाले टेम्पलेट्स हैं उनको आपको क्या करना है, आपने जो भी वीडियो बनाई है, कोई भी वीडियो हो किसी भी टॉपिक पे, वो वीडियो जब ख़त्म हो रही है तो उसके एंड में उस टेम्पलेट को लगा देना है, जब आप वीडियो एडिट कर रहे हो उसी टाइम। इस बात का आप खास ध्यान रखना कि जब भी आप वीडियो एडिट कर रहे हो, एडिटिंग के दौरान ही उस टेम्पलेट को अपनी वीडियो के सबसे लास्ट में ऐड करके छोड़ देना है। उसके बाद अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। अब जब वीडियो एक्सपोर्ट कर लोगे, वो सारी चीज़ जब कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हम अपनी वीडियोज को उस पर लगाते हैं। तो सारा कुछ कैसे करना होता है, यानी पहले सीखेंगे कि टेम्पलेट कैसे डाउनलोड करना है, टेम्पलेट डाउनलोड करने के बाद उस पर वीडियोज को कैसे फिट करना है, वो सब कुछ हम वन बाय वन करके पूरी डिटेल में सीखेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहेगा। तो चलिए चलते हैं सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पे और सारी चीज़ें वन बाय वन करके सीखते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको कि कोई भी ब्राउजर अपने कंप्यूटर लैपटॉप में ओपन कर लेना है या फिर स्मार्टफोन में, जैसे मान लीजिए आपने क्रोम ब्राउजर ही ओपन कर लिया। उसके बाद इस सर्च बॉक्स में आना, यहाँ पे आपको टाइप करना है पिक्साबे, ठीक है। इस वेबसाइट पे आपको एक बार विजिट करना है। पिक्साबे वेबसाइट यहाँ पे सर्च करते हैं, पहले नंबर पे आएगी, इस पे क्लिक करके आपको इसमें आ जाना है। उसके बाद ये जो सर्च बॉक्स दिख रहा है तो यहाँ पे देखेंगे आप ऑल इमेज वगैरह दिखेंगे, तो ऑल इमेज नहीं चाहिए हमें, क्या चाहिए अपने यूट्यूब वीडियो के लिए एंड स्क्रीन वाला टेम्पलेट चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे है वीडियो, वीडियो पे मैंने क्लिक किया, अब वीडियो पे मैंने क्लिक कर दिया है यहाँ पे। अब उसके बाद सर्च बॉक्स में आऊंगा, यहाँ पे मैं सिंपली सर्च करूंगा यूट्यूब, एंड स्क्रीन भी नहीं लिखूंगा मैं, यूट्यूब लिखूंगा। और यूट्यूब जैसे ही आप टाइप करोगे तो यहाँ पे और बहुत सारे ऑप्शंस भी आएंगे, यूट्यूब इंट्रो, सब्सक्राइब, बैनर, चैनल, थंबनेल, तो मैंने यूट्यूब पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब यूट्यूब पे क्लिक करके मैंने सर्च कर दिया सिंपल से। अब स्क्रॉल करोगे जैसे ही आप, तो यहाँ पे देखोगे एंड स्क्रीन आपको स्टार्टिंग में ही मिल जाएंगे। ये भी एंड स्क्रीन ही है, ये भी एंड स्क्रीन ही है। इसके अलावा यहाँ पे आपको सब्सक्राइबर बटन भी मिल जाएंगे ग्रीन स्क्रीन वाले, अलग अलग टाइप के, तो आप उनको भी फ्री में डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। देखिए ये भी एक एंड स्क्रीन का टेम्पलेट ही है, ठीक है। तो देखिए आपको दिख रहा होगा कितने सारे यहाँ पे टेम्पलेट्स हैं, मतलब एंड स्क्रीन वाले आउटरोज यहाँ पे बहुत सारे अवेलेबल हैं, तो आप जिनको चाहो डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं बताता हूँ कैसे डाउनलोड करना। जैसे अब मान लीजिए आप दो तीन भी डाउनलोड कर सकते हो, बस आपको करना क्या है कि एक बार डाउनलोड करके रख लेना है, उसको बार बार यूज कर सकते हो। तो इनमें से आपको जो भी पसंद आए उसको डाउनलोड कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मुझे यही पसंद आया, तो इस पर सिंपल से एक बार क्लिक करना, जैसे ही क्लिक करोगे
तो ये इस तरीके से आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा कि ये किस तरीके से शो हो रहे हैं, तो इसको यहाँ पे क्लिक करके प्ले करके देख लोगे। उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड का बटन दिखेगा, इस पर सिंपल से क्लिक करना, और इसके बाद रिजोल्यूशन में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, वैसे ही रहने देंगे। फिर डाउनलोड बटन पर एक बार आप क्लिक करना, जैसे ही क्लिक करोगे ये डाउनलोड हो जाएगा। बैक आ गया मैं, अब स्क्रॉल करके और नीचे आ रहा हूँ। तो इसमें मान लीजिए अगर और भी हैं तो आपको जो भी पसंद आ रहा है उसको सिंपल से डाउनलोड कर सकते हो और यूज कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होती। और यहाँ पे जो मैंने सर्च किया है कीवर्ड इस वेबसाइट पे, तो इससे आपको बहुत सारे और भी आइडियाज़ मिल रहे होंगे कि यहाँ पे देखिए कितने तरह के अलग टेम्पलेट दिए गए हैं। एक ये भी अलग टाइप का टेम्पलेट यहाँ पे है, तो ये भी डाउनलोड कर सकते हो। जैसे मुझे ये पसंद आ रहा है, इस पर सिंपल से क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे डाउनलोड का बटन है, इस पर सिंपल से क्लिक करना, उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड बटन पर क्लिक कर देना, ये भी डाउनलोड हो जाएगा। देखिए ये भी डाउनलोड हो गया, ठीक है। अब इस पर डबल क्लिक करके मैं प्ले करके आपको दिखाता हूँ। अब ये देखिए ये इस तरीके से शो होगा आपके कंप्यूटर लैपटॉप में या फिर फ़ोन में। अब इसको आपको क्या करना है, एडिटिंग के दौरान अपने वीडियो के लास्ट में इसको जोड़ देना है, बस जोड़ करके अपने वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। अब जब कंप्लीट हो जाएगा तो इस पर वीडियो कैसे लगाना है, चलिए वो सीख लेते हैं। आपको सिंपल से क्या करना है, क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना, YouTube ओपन कर लेना, ठीक है। क्रोम ब्राउजर में हमने YouTube ओपन कर लिया, उसके बाद आपके चैनल का जो लोगो होता है उस पर सिंपल से क्लिक करना। यहाँ पे क्लिक करने के बाद YouTube स्टूडियो जो होता है इस पर सिंपल से आप क्लिक करना। YouTube स्टूडियो पे जब आप क्लिक करोगे तो उसके बाद इस तरीके से सरफेस आता है, ठीक है। मान लीजिए आपकी कोई भी वीडियो पहले से अपलोड है उस पर भी आप लगा सकते हो, तो उस पर लगाने के लिए क्या स्टेप्स होंगे, यहाँ पे कंटेंट पे आप आना, ठीक है। कंटेंट पे आने के बाद आपके मान लीजिए जो भी पहले से वीडियो अपलोड है, जैसे ये वीडियो अपलोड है, तो उसके बाद यहाँ पे डिटेल का जो ऑप्शन दिखेगा इस पर सिंपल से क्लिक करना। इस पर सिंपल से क्लिक करोगे तो इधर देखना आप, इधर देखोगे यहाँ पे तो एंड स्क्रीन का ऑप्शन दिखेगा, इस पर सिंपल से क्लिक करना। अब इस पर सिंपल से जैसे ही क्लिक करोगे, अब मैं इसको मान लीजिए हटा देता हूँ, ठीक है। अब जैसे ही क्लिक करोगे ये देखिए ये नहीं लगा हुआ है यहाँ पे एंड स्क्रीन, तो अब एंड स्क्रीन लगाना है। तो यहाँ पे देखिए एलिमेंट्स मिलते हैं और ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट्स पे एलिमेंट्स मिलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एलिमेंट पे जैसे ही क्लिक करोगे आप, तो अगर आप चाहो तो वीडियो यहाँ पे लगा सकते हो, कोई वीडियो की सीरीज है यानी कि प्लेलिस्ट लगा सकते हो, सब्सक्राइब लगा सकते हो, या फिर किसी और अदर चैनल को भी लगा सकते हो, या फिर किसी और अदर चैनल के वीडियो को यहाँ पे भी एंड स्क्रीन पे आप लगा सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट्स पे दिए गए हैं, तो ये भी चुन सकते हो आप, या फिर यहाँ से भी। तो जैसे मान लीजिए मैंने एलिमेंट पे क्लिक किया, वीडियो पे क्लिक किया, एक वीडियो का आ गया, ठीक है। अब इसको इस तरीके से ड्रैग करके आप जहाँ मर्जी करें वहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। तो इसको मान लीजिए मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे तीन ऑप्शंस हैं, मोस्ट रिसेंट अपलोडेड, इट मींस कि जो आपने हाल फिलहाल वीडियो अपलोड करी होगी वो ऑटोमेटिक आपके व्यूवर्स को दिखेगा। दूसरी बात है सिलेक्ट करोगे बेस्ट फॉर व्यूअर, तो ऑटोमेटिक आपके चैनल पर से यूट्यूब वीडियोज को सजेस्ट करेगा कि आपने आपके जो व्यूअर जो वीडियो देख रहा है तो उसके लिए कौन सी वीडियो बेस्ट है वो ऑटोमेटिक शो करेगा। और नेक्स्ट है चूज स्पेसिफिक वीडियो, इस पर क्लिक करके आप अपने चैनल से पे अपलोडेड कोई भी वीडियो को सिलेक्ट करके यहाँ पे लगा सकते हो। जैसे मान लीजिए इतनी सारी वीडियोज शो हो रही हैं, तो इसको इसमें से किसी को भी लगा सकता हूँ, या फिर यहाँ पे सर्च बॉक्स में सर्च करके भी लगा सकता हूँ अपने YouTube चैनल की कोई वीडियो की। क्योंकि होगा क्या कि यहाँ पे आपने मान लीजिए अपने चैनल पे 100 वीडियोज पोस्ट करी है, तो 100 वीडियो यहाँ पे नहीं दिखेंगी, बहुत कम ही दिखती हैं। तो यहाँ पे सर्च बॉक्स में सर्च करके उस वीडियो को मतलब लगा सकते, जैसे मान लीजिए आपने जो भी वीडियो अपलोड करी है तो उसका टाइटल यहाँ पे सर्च करोगे वो वीडियो यहाँ पे आएगी, उसको लगा सकते हो। और यहाँ पे देखना आप एक ऑप्शन है सर्च वीडियोज फ्रॉम अदर चैनल, जैसे मान लीजिए आपने अपने कोई अदर चैनल्स भी बना करके रखा हुआ है तो उसकी वीडियो भी यहाँ पे लिंक कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आ गया, अब मान लीजिए इनमें से मान लीजिए मुझे ये वीडियो पसंद है, इस पर मैंने क्लिक किया, देखिए ये वीडियो यहाँ पे अप्लाई हो गई, ठीक है। अब फिर से एलिमेंट पे क्लिक करना, वीडियो पे क्लिक करना, ठीक है, दूसरी वीडियो आ गई। अगर आप चाहो तो यहाँ पे चार वीडियोज ऐड कर सकते हो, बट दो काफ़ी है, ठीक है। फिर चूज स्पेसिफिक पे या फिर बेस्ट ऑफ फॉर व्यूअर मैं रहने दे रहा हूँ, ठीक है, आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है। और एक और एलिमेंट पे क्लिक करूँगा, उसके बाद यहाँ पे है सब्सक्राइब, तीसरे नंबर पे सब्सक्राइब पे आप क्लिक करना, ये देखिए सब्सक्राइब वाला आइकन आएगा, यहाँ पे शो वर्क कार्ड आउटलाइन है, इसको अनटिक कर देना आप, और इसको इस तरीके से ड्रैग करके बीच में ला के छोड़ देना, ठीक है। अब ये देखिए हमारी वीडियो 20 सेकंड हमारी वीडियो के ख़त्म होने के 20 सेकंड पहले ये ऑटोमेटिक अप्लाई हो गया है। तो इसको आप इस तरीके से ड्रैग करके इसके टाइमिंग को और कम कर सकते हो, बढ़ा तो नहीं सकते हो आप, लेकिन इसको और चाहो तो आप कम कर सकते हो। और जब ये सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे जो सेव का बटन है सिंपल से इस पर आप क्लिक कर देना, ये अप्लाई हो जाएगा, समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से एंड स्क्रीन आप अपने कितनी भी पुरानी वीडियोज पे अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपकी अगर कोई भी नई वीडियो है उस पे भी अप्लाई कर सकते हो। अब जैसा कि आप देखोगे कि मैंने अपनी वीडियो एडिट करी है, ये जो वीडियो मेरी एडिटिंग के बाद जब एंड हुई है मतलब ख़त्म हुई है, उसके लास्ट में मैंने ये टेम्पलेट लगा दिया, मतलब जो टेम्पलेट मैंने डाउनलोड किया था आपके सामने वो लगा दिया।
अब मैंने इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लिया, उसके बाद मैं क्या करूँगा, सिंपल से अपने ब्राउजर में क्या करूँगा, यूट्यूब ओपन करूँगा। ठीक है, मैंने यूट्यूब ओपन किया। अब यूट्यूब ओपन करने के बाद यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करूँगा, अपलोड वीडियोज़ पे क्लिक करूँगा, और जो वीडियो मैंने अभी एडिट करी है उस पे उसको अपलोड करूँगा। ठीक है, तो ये रही मेरी वो वीडियो, इस पे डबल क्लिक करूँगा मैं, इसको अब अपलोड करूँगा। तो अपलोडिंग के दौरान आप क्या करना, जो भी टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन हैशटैग्स पर प्रॉपर, मतलब जो भी SEO करनी है आपको, वो सब कुछ कर देना। अब जब सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा तो आप देखोगे कि यहाँ पे वीडियो की स्पीड दिख रही होगी, जब वीडियो अपलोड हो रही होगी, ये अपलोड हो रही है, जब ये 100% कंप्लीट हो जाए उसके बाद हमें आगे बढ़ना है, मतलब एंड स्क्रीन लगाना है। कैसे लगाना है चलिए वो भी वन बाय वन करके सीखेंगे। ठीक है, एक बार प्रॉपर तरीका सीख लो आप, उसके बाद आप आसानी से सारी चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, अब ये वीडियो हमारी अपलोड होगी, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। आप जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, दूसरा ही ऑप्शन आपको मिलेगा, ऐड एंड एंड स्क्रीन। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड पे आप सिंपल से क्लिक करना। अब यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये देखिए, ये हमारा एंड स्क्रीन जो हमने अभी अप्लाई करा था अपने वीडियो में, वो इस तरीके से आएगा। तो इसमें आपको पता है, ये जो टेम्पलेट हमने लगाया है, इसमें दो वीडियोज़ हम लगा सकते हैं, एक वीडियो यहाँ पे, एक वीडियो यहाँ पे, और एक यहाँ पे चैनल वाला सब्सक्राइबर वाला, जो हमारे जो चैनल का जो सब्सक्राइबर लोगो होता है वो यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, तो सिंपल से जैसे कि ये लाइन यहाँ पे है, ठीक है, इसको स्क्रॉल करके आप इधर उधर देख सकते हो। ठीक है, इसको स्क्रॉल करेंगे, अब यहाँ से हमारी ये जो हमारा टेम्पलेट है, इसके मेन जो वीडियो के, ये जो दोनों टेम्पलेट्स के जो वीडियो फुटेज लगाने के जो स्पेस हैं, वो यहाँ से शो हो रहे हैं। तो हम इस लाइन को यहाँ पर रहने देंगे, उसके बाद एलिमेंट पे क्लिक करना, वीडियो पे क्लिक करना। ठीक है, अब इन तीनों में से जो भी आपको सही लगे, वो मैंने आपको बता ही दिया है, तो जो भी आपको सही लगे उसको चुन लेना, फिर इसको ड्रैग करके एकदम से इसके ऊपर एडजस्ट कर देना। ठीक है, इसके ऊपर इस तरीके से एडजस्ट करके छोड़ देना, फिर एलिमेंट पे क्लिक करना, वीडियो पे क्लिक करना, और ये दूसरा आ गया, फिर इसको एकदम से इसी के ऊपर एडजस्ट कर देना। ठीक है, अब इसको देखिए, स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं, तो तीसरा यहाँ पे सब्सक्राइबर वाला लोगो भी आ रहा है, तो ऐड एलिमेंट पे क्लिक करना, अब यहाँ पे सब्सक्राइब वाला जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करना, तो ये यहाँ पे आ गया। पहले तो ये शो ओवर कार्ड आउटलाइन जो है इसको अनटिक करना, अब इसको ड्रैग करके यहाँ पे लाके लगा देना। ठीक है, इसके ऊपर जस्ट लगा के छोड़ देना, अब ये अप्लाई हो चुका है। ठीक है, अब ये वीडियो यहाँ से ख़त्म हो रही है। जैसे ही ये एंड स्क्रीन पे आएगी तो आप देखोगे यहाँ पे दोनों तरफ वीडियोज भी अप्लाई हुई हैं और यहाँ पे सब्सक्राइबर वाला लोगो भी लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी वीडियो हमारी कंप्लीट होती है। अब जब सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा तो सिंपल से यहाँ पे सेव पे आप क्लिक करोगे, सेव पे क्लिक करके अपनी वीडियो को पोस्ट कर दोगे अपने चैनल पे, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो समझ में आ गई बात, मान लीजिए ये सब कुछ आपने कर लिया, अब नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, और यहाँ पे अभी पब्लिक पे क्लिक करके, यहाँ पे पब्लिश पे जैसे ही क्लिक करोगे, आपकी वीडियो पब्लिश हो जाएगी, आपके व्यूवर्स तक पहुँच जाएगी। ठीक है, तो अब तक आपको पता चल गया होगा कि एंड स्क्रीन कैसे लगाना होता है, कैसे सारी चीज़ें करनी होती है, आपको हर एक चीज़ समझ में आ चुकी होगी। तो इसलिए अपनी हर वीडियो पे नेक्स्ट टाइम से एंड स्क्रीन वाली वीडियोज को जरूर लगाइएगा, और अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चंस रह जा रहे होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। और ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।